हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी फूड किचन। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ स्पॉन्जी रसगुल्ले की रेसिपी। स्पॉन्जी रसगुल्ला सभी को बहुत पसंद आता है। हम समझते हैं ये बनाना बहुत मुश्किल है। नहीं, ये बनाना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है। कुछ बातों का ध्यान रखें तो आप भी मार्केट जैसे स्पॉन्जी रसगुल्ले बना सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पॉन्जी बनते हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो। ये देखिए, मैं आपको एक उठाकर दिखाती हूँ। इतना स्पॉन्जी रसगुल्ला बना है हमारा, और मैं आपको एक तोड़कर भी दिखा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल जालीदार मार्केट जैसा रसगुल्ला हमारा घर पर बन रहा है। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया। आप इसे ज़रूर बनाएं। रसगुल्ला बनाने के लिए सबसे पहले हमें छेना तैयार करना होगा। उसके लिए मैंने 1 लीटर गाय का दूध लिया है। ये काउ मिल्क है, फुल क्रीम मिल्क। आप याद रखिए, छेना बनाने के लिए या तो आप गाय का दूध लें या फिर टोन मिल्क लें। उनसे छेना बहुत ही सॉफ्ट बनता है। तो अभी हम उबाल आने की वेट करते हैं। और याद रखिए, हमें इसे लगातार चलाते हुए उबाल देना है। इस पर मलाई नहीं आनी चाहिए। आप देख सकते हैं दूध में उबाल आ रहा है। यहाँ पर हम गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए, दूध में उबाल आ चुका है, तो मैं अब गैस को बंद कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अभी हमने इसे नहीं फाड़ना है। इसे हम 5 मिनट के बाद फाड़ेंगे। हल्का सा ठंडा हो जाए, खोलते हुए दूध को हमें नहीं फाड़ना है। तो 5 मिनट के बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। 4-5 मिनट हो चुके हैं और इसकी जो एक्सेस हीट है वो निकल चुकी है। तो अब हमें क्या करना है, हमें दूध को फाड़ना है। हम इसे विनेगर से भी फाड़ सकते हैं, नींबू से भी फाड़ सकते हैं और सिट्रिक एसिड से भी फाड़ सकते हैं। नींबू के रस से अगर हम फाड़ते हैं तो कई बार क्या होता है, जो उसका फ्लेवर है वो छेना में आता है। तो मैं यहाँ पर विनेगर से इसे फाड़ूंगी, जिसके लिए मैंने 3 टेबलस्पून विनेगर लिया है और उसमें थोड़ा पानी डालकर उसे डाइल्यूट कर लिया है। लेकिन हम सारा विनेगर एकदम से इसमें नहीं डालेंगे, हम चम्मच की सहायता से इसमें डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से, और इसको हम चलाएंगे। अब आप सोचेंगे कि हमने सारा एकदम से क्यों नहीं डाला, उससे क्या होगा, छेने के इसमें थक्के जम जाएंगे। तो वो जो थक्के बनेंगे वो सही नहीं रहेंगे, छेना हार्ड होने का डर होता है। तो इसको हम धीरे धीरे करके डालेंगे और चलाते रहेंगे। ये आप देख सकते हैं, छेना हमारा फट रहा है और मेरे पास ये विनेगर बच गया है। मैं इसमें थोड़ा सा और डाल रही हूँ ताकि अच्छे से फट जाए। इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हमें इसे छानना है किसी मसलिन क्लॉथ पर या कोई बारीक कपड़ा, मतलब बहुत अच्छे से हमें छानना है। पानी इसमें बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो चलिए फिर छानते हैं। ये देखिए, मैंने ये छलनी ली है, ये मैं किसी बर्तन पर रख दूंगी और ऊपर से एक कपड़ा मैंने रख लिया है, इसे इसमें डाल देते हैं। अब हम इसे साफ पानी से धो लेंगे ताकि जो भी फ्लेवर विनेगर या नींबू का हो वो इसमें ना रहे। अब हम सारे पानी को अच्छे से निचोड़ लेंगे। फ्रेंड्स, जो दूध का बचा हुआ पानी था उसे आप फेंके मत, वो बहुत न्यूट्रिशियस होता है। उससे आप आटा गूंद सकते हैं या फिर उसे आप सब्जी में भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमें इसका सारा पानी निकालना है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इस कपड़े को मैं आधा घंटे के लिए किसी टैप पर लटका दूंगी या फिर आप इस पर कोई वेट रख दीजिए आधा घंटे के लिए, ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। आधा घंटा हो चुका है, अब हम इस छेने को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम इसे इस पोर्शन से, ये देखिए, इस पोर्शन से हम इसे बहुत अच्छे से मस लेंगे जब तक ये चिकना नहीं हो जाता। मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से हमें इसे, क्योंकि अभी इसका टेक्सचर काफी ग्रेनी है तो हमें इसका स्मूथ टेक्सचर करना है और बहुत अच्छे से इसको चिकना करना है। ये बहुत मेन स्टेप है। अगर आपका स्टेप अच्छे से नहीं हुआ तो आपके जो रसगुल्ले हैं वो स्पॉन्जी और सॉफ्ट नहीं बनेंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, ये घर का चम्मच है। आप इसमें अरारोट भी डाल सकते हैं और अगर वो नहीं है तो मैदा भी डाल सकते हैं। मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ और अब हम इसे 6-7 मिनट कम से कम इस तरह से मसल कर चिकना करेंगे। आटे को मसलते हुए 7-8 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं आटा बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। अब ये बिल्कुल भी ग्रेनी नहीं रहा, बहुत ही स्मूथ इसका डो बना है। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे जैसे हमें बनानी है।
ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, और इसको हम बॉल की शेप में लेंगे। जितनी छोटी आपने बनानी है आप बनाइए, मैं साइज छोटा ही ले रही हूँ क्योंकि ये चाशनी में जाके ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। ये देखिए, पर आप ध्यान रखिए इसमें कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, बहुत ही स्मूथ बॉल बननी चाहिए। देख सकते हैं आप इस तरह से, तो सारी बॉल हम इसी तरह से बना लेंगे। अब हम चाशनी बनाएंगे, उसके लिए मैंने ली है 1 कटोरी चीनी और इसमें हम डालेंगे 2.5 कटोरी पानी। गैस को हमें हाई रखना है और चीनी को हमें हिलाते हुए घोलना है। चीनी घुल चुकी है, अब हम इसमें 1 उबाल देंगे। आप देख रहे हैं इसमें उबाल आ रहा है, गैस को हमें बिल्कुल मीडियम और हाई के बीच में रखना है, लो तो बिल्कुल नहीं करना है। तो तेज आंच पर ही रसगुल्ले बनाए जाते हैं। आप देख सकते हैं मैंने रसगुल्ले बना लिए हैं, बॉल्स जो हैं वो बना लिए हैं। अब हम इसको एक एक करके डालेंगे, सारी एकदम से नहीं डालेंगे, और गैस मैंने हाई रखी हुई है। गैस को हम थोड़ा सा सेट करते रहेंगे हाई और मीडियम के बीच में। इसको अब हम ढकेंगे और 5 मिनट के बाद चेक करेंगे। गाइस मैंने दूसरी गैस पे थोड़ा सा गर्म पानी होने के लिए रख दिया है, वो मैं आपको बताऊंगी कि क्यों रखा है। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक करते हैं। ये देखिए गाइस, 5 मिनट में ही ऑलमोस्ट रसगुल्लों का साइज डबल हो गया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो पानी हमने गर्म कर रखा था थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं। हमें 2 चम्मच डालना है, बहुत ज्यादा नहीं डालना है। ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी चाशनी एक्सेस में गाढ़ी ना हो। फिर से अब मैं इसे कवर कर दूंगी और इसे मैं 10 से 12 मिनट मीडियम फ्लेम पर और पकाऊंगी। 10 मिनट हो चुके हैं, एक बार मैं फिर से देखती हूँ, चाशनी हमारी गाढ़ी होने लगी है, तो मैं 2 चम्मच पानी इसमें और डाल रही हूँ। मतलब 20 मिनट में हमें 2-3 बार इसे चेक करना है, चाशनी गाढ़ी नहीं होनी पाए। अगर चाशनी गाढ़ी हो गई तो रसगुल्ले उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो इसे 15 मिनट पकते हुए हो गए हैं, बस मैं इसे 5 मिनट और रख रही हूँ, फिर हमारे रसगुल्ले चेक करेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, हम देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इनका साइज ऑलमोस्ट डबल हो गया है, बहुत ही स्पॉन्जी है, लेकिन अभी हम इन्हें नहीं छेड़ेंगे क्योंकि बहुत डेलिकेट है, ये टूट सकते हैं। यहाँ पर मैं गैस को बंद कर देती हूँ और अब हम इन्हें ठंडा कर लेते हैं। रसगुल्ले हमारे ठंडे हो चुके हैं, अब हम इन्हें शिफ्ट कर लेते हैं। गाइस स्पॉन्जी रसगुल्ले बिल्कुल तैयार हैं, आप इन्हें जरूर बनाइए, आपको ये बहुत पसंद आएंगे। बस कुछ बातों का ध्यान रखिए, आपको इन्हें हाई फ्लेम पर बनाना है और कॉर्नफ्लोर आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, वरना आपके रसगुल्ले हार्ड बनेंगे। तो ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।